हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सर्ज। सर्ज क्या चीज़ है? दे आर इरेशनल रूट्स। लाइक अगर हम किसी भी नंबर की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट, उसका क्यूब रूट या कोई भी पावर की उसकी रूट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सर्ज। अब सर्ज को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं? दैट इज ए, ए की सर्ज है विद ऑर्डर एन। मीन्स यहाँ पे ए जो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड रेडिकेंड, एंड जो एन होगा दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द सर्ड इंडेक्स। इट कैन बी 1/2, 1/2 होगा तो हम स्क्वायर रूट बोल सकते हैं इसको, 1/3 होगा तो इट विल बी क्यूब रूट। तो ऐसे ही जो रूट्स आती हैं हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द सर्ड। अब अगर इसको बोले हम तो इट इज व्हाट, ए रेज टू पावर 1/n, दैट इज व्हाट, दैट इज सर्ड ऑफ ऑर्डर एन। एंड ए अगेन, ए जो है यहाँ पे दैट इज द रेडिकेंड, एंड जो एन है दैट इज व्हाट, दैट इज द सर्ड इंडेक्स। अब ये जो सर्ड्स हैं बेसिकली कुछ रूल्स, कुछ लॉज को फॉलो करती हैं जिसके अकॉर्डिंग ही इनके जो सम्स हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो लॉ ऑफ सर्ड है वो डिस्कस करेंगे हम। हेयर आप देख सकते हो लाइक सर्ड ऑफ ऑर्डर एन है तो इट कैन बी रिटन एज ए पावर 1/n। थर्ड ऑफ ऑर्डर n होल पावर अगेन n है तो इट कैन बी रिटन एज a पावर 1/n मल्टीप्लाइड बाई n, n n कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वी विल बी गेटिंग a ओनली। थर्ड ऑफ ऑर्डर n, देन उसके ऊपर अगेन थर्ड है ऑफ ऑर्डर m, तो दो तरह की सर्ड्स आ जाएंगी m एंड n, तो इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ m n। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 1/mn ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑफ ए बी ऑर्डर एन, इट कैन भी इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए को अलग और बी को अलग विद ऑर्डर सेम, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम रह जाएगा। अगर सेम वे में हमारे पास इसमें डिवाइड फॉर्म में आता है तो डिवाइड फॉर्म में भी हम इनको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं, ऑर्डर जो है थर्ड का दैट विल बी सेम। इसमें एन था तो इसमें भी एन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय बी, इसमें भी हमारे पास ऑर्डर जो हो जाएगा दैट विल बी एन। नेक्स्ट, जैसे हम ए प्लस बी होल स्केयर के फॉर्मूले करते हैं, सेम वे में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्केयर का फॉर्मूला है। तो वैल्यूज आपको पता है, वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आता था तो यहाँ पे हमारे पास उसका एक रह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सेम वे में स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्केयर विल बी ए प्लस बी माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। एंड हेयर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इनके ऊपर सर्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको बताना होता है कि दो आपको सर्ज दी हुई है तो इसमें से विच वन, कौन सा ज़्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये उस टाइप का है जिसमें ऑर्डर सेम है, मीन्स जो ये वाला टर्म है दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर थ्री, एंड जो दूसरी सेकेंड टर्म है दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर थ्री। अगर सेम ऑर्डर का होगा तो हम किस चीज़ को चेक करेंगे? हम सिर्फ रेडिकेंट पोर्शन को चेक करेंगे। मीन्स यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे फाइव है, तो ऑब्वियसली जो सेवन है दैट इज ग्रेटर देन फाइव, तो इन दोनों में से जो लार्जर होगी दैट इज दिस वन। तो ये तो था वो केस, कंपैरिजन हमने रेडिकेंट से कर लेना है। किस केस में? जिस केस में हमारे पास जो सर्ड का ऑर्डर है दैट इज सेम। नेक्स्ट हमारे पास होएगा जिसमें सर्ड का जो ऑर्डर है दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट ऑर्डर वाले क्वेश्चंस जैसे उन्होंने ये दे दिया हुआ, अब इसमें क्लियरली मेंशन हुआ है, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सर्ड का ऑर्डर है दैट इज टू, यहाँ पे जो सर्ड का ऑर्डर है दैट इज थ्री, तो ये डिफरेंट ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो गए। तो इन केसेस में हमने क्या करना है, जो जो भी आपको ऑर्डर दिए हुए हैं डिफरेंट, उन ऑर्डर्स का हमने सबसे पहले निकाल लेना है एलसीएम। लाइक यहाँ पे ऑर्डर टू था थ्री था, तो हमने टू और थ्री का क्या निकाल लिया, एलसीएम। तो टू और थ्री का एलसीएम हमने निकाल लिया था, दैट कम्स आउट टू बी सिक्स। अब हमने क्या करना है, जो भी हमें टर्म्स दी हुई हैं हमने उसको सिक्स, जो उसकी पावर है उसको हमने चेंज कर देना है। जैसे वन, एक में टू दिया हुआ था, एक में थ्री दिया हुआ था, हमने कन्वर्ट कर लेना है उसको सिक्स की फॉर्म में। तो अब वन बाई टू था, सिक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको थ्री से मल्टीप्लाई करा, थ्री से डिवाइड कर दिया, तो इट विल बी थ्री बाई सिक्स, सेवन पावर थ्री बाई सिक्स। सेवन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग 343। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम फिर से उसका ऑर्डर सेम कर रहे हैं। ऑर्डर सेम करने के बाद हमने इंडेक्स चेक, उसका रेडिकेंड चेक कर लेना है। रेडिकेंड में से जो बड़ा होगा वो वाली जो टर्म है वो हमारी बड़ी आ जाएगी। सेकेंड देखिए, फाइव विद थर्ड इंडेक्स थ्री, तो फाइव की पावर 1/3 है। अब इसको सिक्स बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड कर दिया, तो फाइव टू बाई सिक्स।
5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग 25। अल्टीमेटली पिछले सम की तरह पिछले सम में ऑर्डर सेम था, जिन सम में ऑर्डर सेम नहीं है हम एलसीएम लेंगे पहले और कोशिश करेंगे कि हम सेम जो ऑर्डर है वो बना लें। वंस सेम ऑर्डर आ गया, अब यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि 343 जो है दैट इज ग्रेटर देन 25, तो 343 वाली जो सर्ड होगी दैट विल बी ग्रेटर देन अनदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।